महासती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। विकट स्थिति में भी धर्म तभी याद आएगा जब अनुकूल स्थिति में भी आपका प्रधान और प्रथम लक्ष्य धर्म और मोक्ष ही हो। पैसे कमाए यह अनुकूल स्थिति हुई, पर तब भी याद रहे कि यह पैसों की कमाई पूर्व भाव की धर्म साधना का फल है। पूर्व जन्म में दूसरों के धन को छल से ले लिया हो, असत्य अनीति अपनाई हो, हिंसामय आरंभ समारंभ किया हो, परिग्रह के ढेर खड़े कर दिए हो इत्यादि का फल यह नहीं कि यहां मनचाहे धन और सुख मिले। पूर्व भाव में धर्म किया होगा, धन आदि का दान दिया होगा, संपत्ति से जिन भक्ति साधु सेवा और परोपकार किए होंगे, जीव दया का पालन किया होगा, जिनके फल रूप मन चाहा यहां मिल जाता है और सब अनुकूल हो जाता है। अब यहां जहां पूर्व के धर्म से सब अनुकूल आ मिला है तो यह अनुकूलता का फायदा पापा चरण में नहीं धर्म में ही उठाना चाहिए। यह तो हिसाबी बात है कि पूर्व धर्म से यहां सब अनुकूल, तो यहां पर यदि पाप आचरण किए तो आगे प्रतिकूलता ही मिलेगी। तो क्या धर्म के फल में पैसे आदि सुख सुविधा को प्राप्त करके उसी से मेरे ही हाथों पाप आचरण करूं, अपने भविष्य को आपत्ति में डाल दूं? नहीं, मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूं, यहां जितना हो सके उतना धर्म करता ही रहूंगा। यह भावना पूरे जीवन में जागृत एवं जीवंत रखनी चाहिए। युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु नाय अचवाड़ा।